नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता HE हाई स्कूल, कोट रोड, गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। डम्बल ड्राई, ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहां सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर बगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। TVS की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL TVS। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्लाज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, ब्लाज चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहाँ आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरिडीह। चाकू मारकर पड़ोस के लोगों ने किया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज, दोनों बताए जा रहे हैं। JLKM के कार्यकर्ता प्रत्याशी ने कहा, जानबूझकर किया गया हमला। गांधी और बेगाबाद में आयोजित 2 अलग अलग चुनावी जनसभा को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे संबोधित, तैयारी हुई पूरी। झामुमो के नेताओं ने किया स्थल का निरीक्षण, पत्नी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिरसा मुंडा की 185वीं जयंती पर आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इनके चित्र पर किया माल्यार्पण, इन्हें याद करते हुए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। जमीन विवाद में बेंगाबाद के बर्मन भैयार में हुए मारपीट में 8 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। गोलगो मुखिया प्रतिनिधि पर लगाया गया मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। और भव्य रूप से प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु नानक देव जी का 595वां जन्मोत्सव, प्रधान गुरुद्वारे में सुबह से चला अनुष्ठान का दौर, कीर्तन सुनकर निहाल हुए समाज के लोग। और अब खबर विस्तार से। लोधी गांव में चाचा व भतीजा को चाकू मारकर किया घायल, शुक्रवार को 10 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल लोधी निवासी सुधीर यादव व इनका भतीजा महेश यादव है। घायल सुधीर यादव ने बताया कि अगिरिडीह बाजार में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं और बाजार में ही रूम रेंट पर लेकर रहते हैं। गुरुवार शाम को यह ट्यूशन पढ़ा रहे थे। इनके भतीजे महेश ने फोन करके इनको सूचना दिया कि इनकी एक चचेरी बहन है, उसके साथ पड़ोसी भागीरथ पंडित और प्रदीप पंडित कुछ गलत करने का प्रयास किया है, जिसके बाद यह ट्यूशन पढ़ाने छोड़कर घर जाने लगे। इसी बीच लोधी मॉडल के समीप दूसरे पक्ष के लोग पहले से खड़े थे, अचानक वह लोग चाकू निकाले और इनके भतीजे व इनके ऊपर चाकू से 3 से 4 बार वार कर दिया। और जब इनके गांव के लोग आने लगे तो वह लोग भाग निकले, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों को भर्ती कर लिया गया है। इधर घटना को लेकर मुफस्सिल पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर JLKM के प्रत्याशी नवीन आनंद भी सदर अस्पताल पहुंचे और हालचाल लिया। बताया जा रहा है कि दोनों JLKM के कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता है
आप देख लीजिए सामने में, आपने देखा है जी, ये देखिए, नहीं रहा था, ये देखिए आप, ये तो मैं स्पष्ट दो बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग सरकार में हैं, जो स्थानीय विधायक उनके लोग, जहाँ जहाँ मेरा झंडा लग रहा है, मेरा पोस्टर लग रहा है, उखाड़ के फेंक रहा है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं देश के कानून में विश्वास रखता हूँ। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज आप देख लीजिए, ये तीसरा घटना है एक ही दिन में। हमारा कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गया है, ये प्रमाण है, ये आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है अपने हाथ में लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांधी का देश है, यहाँ पर आप लोग शांति बनाए रखें। हमारा गिरिडीह शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है और ये जो हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना आपको पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है क्या? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप तो चौथे स्तंभ हैं। अभी के समय में जब 5 दिन इलेक्शन का रह गया है तो ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थानीय सरकार है, अगर हताश है, निराश है, तो ये लोग बदले की भावना रख कर ये खून खराबे का माहौल ना बनाए। शनिवार को बेंगाबाद के पेसराटांड मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार शाम 4 बजे इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। इसके मद्देनजर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने तैयारी को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। इस बाबत सरफराज अहमद ने बताया कि कल बेंगाबाद और गांडे के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में महिला पुरुष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी की तैयारी को लेकर मैंने आज स्थल का जायजा लिया, साथ ही सारे सुविधाओं का अवलोकन किया ताकि कल जनसभा में शामिल होने वाले जनता को कोई तकलीफ ना हो। बैठक कल है मीटिंग आम सभा और परसों गांडे प्रॉपर में है, गांडे में तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों में बहुत उत्साह है। बताएंगे लोगों को कैसी सरकारें चल रही है, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसकी चर्चा करेंगे और आगे सरकार का क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे गरीबी दूर होगी, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, जो मुख्य मुद्दे हैं झारखंड के, उस पर चर्चा होगी। और आप जानते हैं हम लोग प्यार भाईचारे होते हैं, जहाँ भी हमारे समाज जो मीटिंग होती है और जो हमारे विपरीत हैं वो लोग किस चीज़ का पैगाम पहुँचा रहे हैं जी, उसके साक्षात हैं जी, किस तरह की बातें वो लोग करते हैं, इनका कोई मतलब चुनाव से नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। और जिनका मतलब चुनाव से है भविष्य में झारखंड कैसा रहेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, रोटी कपड़ा मकान बिजली की व्यवस्था कैसे, इस पर कोई चर्चा नहीं। और वो क्या बताते हैं आप उससे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये सब झारखंड में चलने वाला नहीं है। आधे झारखंड वासियों ने जवाब दे दिया है 13 तारीख को और आधे लोग 20 तारीख। मैदान में 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा होगी। इसको लेकर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सभा स्थल का निरीक्षण जेएमएम नेताओं ने किया। यहां झारखंड चिन्हित आंदोलनकारी बैजनाथ राणा ने झामुमो के जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड सचिव भैरव वर्मा एवं प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह की उपस्थिति में पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए गांडे प्रखंड के कन्हाई डी में
सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे डोकीडी पंचायत के कन्हाईडी स्थित सभा स्थल का झामुमो कार्यकर्ताओं ने जायजा लिया। मौके पर झामुमो के युवा नेता पिंटू हाजरा, सनातन चौड़े, छोटे पाठक, इंद्रदेव पाठक, ग्राम प्रधान दर्शन टुडू, अमीन टुडू, शिवलाल टुडू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी का आगमन 17 तारीख को दिन के 1 बजे होने जा रहा है, जिसके एवज में हम लोग पूरे प्रखंड कमेटी के लोग आकर के जिला सचिव के सहित आकर के हम लोग मैदान का निरीक्षण किए, पंडा मंडाल के लिए जगह, हेलीपैड के लिए जगह चयन करते हुए उसको हम लोग लोगों को रिपोर्ट किए हैं, लोगों को बताए हैं कि यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है। इसलिए हम पूरे प्रखंड के, पूरे इलाके के सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को सुने और अपने अपने क्षेत्र में लग जाए। बिरसा जयंती के अवसर पर सिरसिया बिरसा चौक पर आदिवासी छात्र छात्राओं ने शुक्रवार 2 बजे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। इस दौरान उनके संघर्षों को याद किया गया। बताया गया कि जब ब्रिटिश काल में उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारी प्रथा के विरोध, अन्याय के बदले न्याय की जंग लड़ी और लोगों को एकजुट किए थे, आदिवासी युवा आज भी उनको प्रेरित है, इसलिए उनको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर जिला आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, एचई हॉस्टल के छात्र नायक प्रदीप सोरेन, सूरज मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के छात्र नायक सोनेलाल मुर्मू, भोलाराम टुड्डू, जेसी बॉस के छात्र नायिका आशा हेम्ब्रम और इभा हंसदा, बरगंडा कल्याण हॉस्टल के छात्र नायक समीर मुर्मू, साथ में सभी हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर अपना योगदान दिया। यहाँ ग्रेडी बिरसा चौक पे हम लोग ने बिरसा जयंती मनाई। आज यहाँ ग्रेडी जिले के चारों छात्रावास से छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, जिन्होंने हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, जिन्होंने हमारे लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान गंवा दिया और आज हमको इस झारखंड राज्य का अस्तित्व हम लोग को मिला। इसलिए आज यहाँ गिरिडीह जिले में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और जितना भी इधर उधर से आए भाई बहने सभी मिलकर के हम लोग ने यहाँ बिरसा जयंती मनाए। आज बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह के आदिवासी छात्र छात्राएं और आसपास के समस्त लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाएगी। आज बहुत कुछ किस्मत है और हम लोग के लिए आज बड़ी खुशी का पल है कि आज आदिवासी के नायक क्रांतिकारी, जिन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, मात्र 25 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी समाज और संस्कृति और आदिवासी की मान सम्मान के लिए उन्होंने जान का न्योछावर त्याग दिया इस दुनिया से। और हम यहाँ पर उपस्थित जैसे छात्र छात्राएं, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दी, हम उससे यही सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम यही सीख सकते हैं कि जयंती मनाने से भी आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप उनके विचारों को अपनाइए, उनके विचारों पर चलिए और अपना समाज और संस्कृति को मजबूत कीजिए। और 25 साल की अवस्था में उन्होंने आदिवासियों के ऊपर जमींदार और अंग्रेजों के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध उन्होंने आदिवासियों का आवाज़ बनकर उभरा और आदिवासियों को आज मान सम्मान की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी के कुर्बानियों की ही बदौलत है। जो
जमीन विवाद में बेंगाबाद के बर्मन बहियार में हुए मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। शुक्रवार शाम 6 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में कंचन देवी, कुलेश्वर महतो, मनोज महतो, राजेंद्र वर्मा, चमेली देवी, यशोदा देवी, लखिया देवी और रवि वर्मा शामिल हैं। घायलों ने बताया कि इनका जमीन पहाड़पुर में है, जिसका सारा पेपर है और रसीद भी उनके नाम से कटता है, जिस पर पहाड़पुर के मुखिया पति महेंद्र दास के द्वारा 9 नवंबर को उक्त जमीन पर ईंटा रख दिया गया, जिसे हम लोगों ने हटाने को बोला तो वो लोग गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद हम लोगों ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरुवार को उक्त लोग इनके जमीन पर बाउंड्री कर रहे थे, जब ये लोगों ने मना किया तो वो लोग ने करीब 20 से 25 महिला एवं पुरुष को बुलवा लिया और हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें ये सभी लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें से 3 घायलों का इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। इस बाबत बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मनोज वर्मा कहाँ के रहने वाले? बर्मन बहियार का है। कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद थाना पड़ता है। क्या मामला है? मामला है जमीन का मामला है। हमारा जमीन पे गोलगो पंचायत का मुखिया महेंद्र रविदास ने हमारे जमीन पे ईंटा ऊँटा गिरा रहा था, तो उसको हमने मना करने के लिए गए थे, तो उसने बोला कि यहाँ पे आओगे तो मार पीट के तुमको हालत ख़राब कर देंगे, ये जमीन पे तुमको आना नहीं है, ये जमीन हमारा है। दबंगगिरी दिखाया, उसके बाद हम थाना में आके थाना में आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में उससे कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो हमारे जमीन पे काम चालू कर दिया, तो उसको मना करने के लिए तो हम लोग मना करने के लिए वहाँ पर गए थे, तो हम लोग को बीच में मुखिया महेंद्र दास और उनकी पत्नी अनीता देवी ने जानलेवा हमला करने का धमकी दिया कि यहाँ पे चढ़ोगे जमीन पे तो जानलेवा करेंगे और यहाँ पे चढ़ना नहीं है, मारपीट के तुम लोग को हालत खराब कर देंगे। थाना हमारा पैकेट में है, तुम जहाँ डीसी के पास जाना है, थाना जाना है, जहाँ भी जाना जाओ, कुछ नहीं हमारा कर पाओगे, हम कहीं भी तुमको जाना है जा सकते हो, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, जमीन हमारा है और जमीन हड़पने के संबंध में पड़ा हुआ है। सर हम लोग गरीब जमीन के आदमी हैं, हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है वो। कब से विवाद चल रहा है ये वाला? ये विवाद चल रहा है अभी, मतलब वो काम चालू कर दिया तब से चालू विवाद चालू। तो जमीन किनका है वो वाला? जमीन हमारा है, हमारा रसीद पट्टा सब है, हमारा मतलब रसीद करंट रसीद है, ऑनलाइन भी है, सब कुछ कागजात हमारे पास में पूरा है, उसके बावजूद भी आवेदन थाना में दिए हैं सर, उसका पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उसके बाद मारपीट हम लोग के कर दिया बाद में 14 तारीख को कल सुबह। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग? उचित कार्रवाई किया जाए, इस पर क्या है सो जांच पड़ताल किया जाए इस पर कि किस तरह का मामला है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग के तरफ से, और हम लोग तो परिवार को सब पायल उबेल था सब छीन छोड़ लिया, सिकड़ी उकड़ी सब छीन छोड़ के मारपीट के और हालत तीन लोग को खराब कर दी। नानक देव जी का जन्मोत्सव शुक्रवार को भव्य रूप से 595वां प्रकाश पर्व के रूप में स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया। इसको लेकर सुबह 6 बजे से ही अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। जन्मोत्सव को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में अखंड पाठ का समापन हुआ। गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिन व संध्या में विशेष दीवान सजाया गया था। गुरु नानक जयंती के मौके पर स्थानीय रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह ने अपने पूरे जत्थे के साथ सात संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित सात संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे, उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। मौके पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। दिन के 12 बजे से शबद कीर्तन का दौर चालू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। इधर लंगर में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंगर का आनंद उठाया। रात्रि में पंजाबी मोहल्ले गुरुद्वारे में भी शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी की आरती हुई। मौके पर प्रधान डॉक्टर मुंगिया ने कहा कि गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। उन्होंने गिरिडीह वासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। सचिव समी सलूजा ने कहा कि मन की बुराइयों से दूर करके इसे सत्य, ईमानदारी व सेवा भाव से प्रकाशित करना ही प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक जयंती में उपस्थित लोगों को बधाई दी, साथ ही कहा कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है।
गुरु के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा भी कीर्तन किया गया। मौके पर पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रोबी चावला, प्रिंस सलूजा, ऋषि चावला, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, कुशल सलूजा, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरुदीप सिंह बग्गा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुष व बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारा संसार बहुत ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। श्री गुरु नानक देव जी का यही कहना है कि सारे धर्म जात सब एक ही है, मानव की जात एक ही पहचान को, इसलिए आपस में सद्भाव का जो संदेश उन्होंने दिया है, अगर इसे हम मान के चलें तो हमें लगता है कि सारे संसार में सुख होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सारा संसार गुरु नानक देव जी के वचनों पर, गुरु नानक देव जी के वाणी को विचार करते हुए चले, सारे लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नेता राजेश सिन्हा शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों के साथ दिन के 12 बजे बिजली ऑफिस कार्यालय डांडेडी पहुंचे। ग्रामीणों में ऐसे लोग थे जिनका अभी भी बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। इन सभी ने बिजली बिल माफी को लेकर आवेदन दिया है। कहा कि इन सभी का बिजली बिल माफ नहीं होने के खिलाफ 26 नवंबर को 11 बजे दिन से 3 बजे तक बिजली ऑफिस में सैकड़ों लोगों के साथ माले के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि आज भी प्रत्येक ग्राम में दर्जनों लोगों का बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। इस विषय पर माले ने एक महीने पहले बिजली विभाग में आंदोलन किया था। लगभग 250 आवेदन माले के माध्यम से दिया गया था। उस आवेदन में कईयों का माफ हुआ, किंतु आज भी सैकड़ों आवेदन पर काम नहीं हुआ है। बिजली विभाग के द्वारा यह बताया गया था कि कई जो बिजली में माफ किया जाएगा, लेकिन आज भी हमको लगता है लाखों लोग, सैकड़ों लोग तो हमारे पास आते हैं, माफ नहीं हुआ है। तो उसका जो हम लोग एक महीना पहले यहाँ पे बिजली विभाग से बात करके उसमें 250 आवेदन आया था, उसमें बहुत सारे लोगों का माफ हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का माफ नहीं हुआ। और बहुत ही ज़रूरी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब हैं, यदि ऑफ़र मिल रहा है तो सबको ऑफ़र मिलना चाहिए। तो इसमें जो विभाग है बेहतर तरीके से अगर काम कर दे तो सबका माफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर रहे हैं, माफ़ कर रहा है सरकार, झारखंड सरकार कर रही है। तो इसमें यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, चुनाव के बाद जोर शोर से आंदोलन पर आएंगे। और साथ ही साथ तमाम लोगों से निवेदन है कि आप सैकड़ों की संख्या में आएंगे, जब हम डेट आपको देंगे, डेट चुनाव के बाद मान लीजिए 23 को रिजल्ट है तो 25-26 का एक डेट बनाएंगे जो आप लोग को हम लोग देंगे। और बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, इसमें तेज़ी से कर्मी लोग लगकर, आज देखिए क्या था कि 15 तारीख को भी बंद है, 14 को भी बंद है, सरकारी छुट्टी है, तो आज फिर भी इतने इतने लोग आ गए, क्योंकि डेट हमारा दिया हुआ था, इस बीच में कम से कम आवेदन हमारे पास आया, इसको ज़ोर शोर से लगेंगे। और पूरे गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि जब आप बात सुनते हैं, हम तो कोई सरकार में नहीं है, या हम कोई MP MLA नहीं है, हमको एक बिजली ऑफिस का अफसर नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हम लोगों का प्रयास रहता है, इसमें सारे लोग का हम इसमें नाम लेंगे कि आपके जो मुद्दे हैं उसको उछाल कर हम लोग उस मुद्दे पर काम कि मीटर खराब है जो चेक करने आता है वो, तो हम लोग बोले कि मीटर खराब है तो हम लोग क्या करें, तो बोले नहीं बदली करने है, तो कहें बदली कराने जाने पड़ेगा, 500 रुपया आता था मेरा, तो बोले नहीं मीटर खराब है, 500 रुपया आपको आता है, तो कहिए ठीक है जब कम आएगा तो बोले हम बदली करा देंगे, तो 1200 रुपया बदली करा दिया लेके, उसके बाद मीटर ले गया, ये मीटर जो लेके आके लगाया है उस दिन से बिल मेरा नहीं आ रहा है, तो जो माफ जब कैंप लग रहा है। कहाँ के हैं, कहाँ के आप हैं? चंदन नगर पुलिस लेन 31 नाम क्या हुआ आपका? उर्मिला देवी। अच्छा, आप ही के नाम से है पूरा बिल? नहीं, मेरा सास का नाम से। नाम बताइए उनका। अंबिया देवी, अंबिया मुसमात। ठीक। चाचा व भतीजा को चाकू मार
मारकर पड़ोस के लोगों ने किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज, दोनों बताए जा रहे हैं। जेएलकेएम के कार्यकर्ता प्रत्याशी ने कहा जानबूझकर किया गया हमला। गांधी और बेगाबाद में आयोजित दो अलग अलग चुनावी जनसभा को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे संबोधित, तैयारी हुई पूरी। झामुमो के नेताओं ने किया स्थल का निरीक्षण, पत्नी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे ये वोट। बिरसा मुंडा की 185वीं जयंती पर आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इनके चित्र पर किया माल्यार्पण। इन्हें याद करते हुए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। जमीन विवाद में बेंगाबाद के बर्मन भैयार में हुए मारपीट में 8 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज, गोलगो मुखिया प्रतिनिधि पर लगाया गया मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। और भव्य रूप से प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु नानक देव जी का 595वां जन्मोत्सव। प्रधान गुरुद्वारे में सुबह से चला अनुष्ठान का दौर, कीर्तन सुनकर निहाल हुए समाज के लोग। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।